हेलो गुड इवनिंग ओके आई कैन सी देयर मान्या ऋषि हार्दिक आ चुके हैं ठीक है व्रतिका आ चुकी हैं आज हम लोग यहाँ पे फटाफट से जो बचा हुआ पोर्शन है शिशांका आ चुकी हैं दिशा हेलो गुड इवनिंग वॉज नॉट वेल यस्टरडे यू आर नॉट वेल कोई बात नहीं कोई बात नहीं अपना ध्यान रखें अभी सीजन बहुत चेंज हो रहा है ओके okay? सो so, अपना अपना ध्यान रखें प्लीज़ क्योंकि सीजनल चेंज है ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें ठीक है कोशिश ये करें शिम्पी हेलो गुड इवनिंग तेरा हीरो आ गए हैं ओके ठीक है सो राधिका इज ऑलरेडी देयर वी विल बी येस इट्स अ बायो टाइम येस और आई एम फाइन ऋषि एंड होप द सेम विद यू ऑल एंड सेफली प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा क्योंकि अब चेंज होने वाला है yes, यश राम राम और क्योंकि बहुत ज़्यादा सीजनल चेंज है तो प्लीज़ अभी बहुत केयरफुल रहने की हमें ज़रूरत है ठीक है सो आ चुके हैं दिशा ध्यान रखिएगा ओके सर लेट्स बिगिन आज हमें करना है बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है सो आई होप आप सब रिवाइज करके आए होंगे ठीक है so, सो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है आज हमें दो फाइलम्स को डिटेल में पढ़नी है एक तो छोटा सा ही हेमी कॉर्डेटा और उसके बाद हम कॉर्डेटा को देखने वाले हैं उनमें कितनी क्लासेस हैं और उन क्लासेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं राइट सो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर आज थोड़ा सा सिंपल है कम कॉम्प्लिकेटेड है कुछ एक चीजें तो आपको ऑलरेडी आती हैं तो आप मेरे साथ साथ बताते जाइएगा आज देवेश भी हैं कीर्ति इज ऑल्सो देयर ओके कीर्ति इज गिविंग हर अटेंडेंस कीर्ति यू आर ऑलवेज देयर सो यू डोंट हैव टू रेज अप योर हैंड आई सी यू एवरी टाइम इन द चैट पूजा आ गई है वेरी गुड इवनिंग टू यू राइट सो एज एवरी वन इज जॉइनिंग वी विल बी बिगनिंग आर थिंग्स सागर आ चुके हैं गुड इवनिंग सागर हार्दिक ओके इजी है हार्दिक के लिए ऑफ कोर्स इजी है ठीक है मैंने देखा है आप जिस हिसाब से वहाँ रिस्पॉन्स देते हैं ये रिमाइंडर है उन बच्चों के लिए जैसे मुझे बहुत बार नए बच्चे यहाँ पे दिखते हैं तो प्लीज आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे ई करियर पॉइंट ऐप पे जाकर जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आपको फ्री स्टफ़ में आपके जो क्लास की पी हैं आपको जो भी चाहिए एन से रिलेटेड कोर्स स्टफ़ में आपको सब कुछ मिल जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेंगे एन टी की टेस्ट सीरीज अगर आपको और प्रैक्टिस करनी हो हम तो आपको प्रैक्टिस कराते ही हैं ठीक है मैं भी होता हूँ ओके सो यहां पे हम तो आपको प्रैक्टिस हाँ हार्दिक आप होते हैं तभी तो मैं कह रही हूं यू आर गुड इन दैट ओके सो अब यहाँ पे अगर प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन टी एस सी टेस्ट सीरीज राइट गुरकीरत भी है हाँ यस वो थोड़े से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं अश्विन है ओके यू आर कार्तिक फाइन आर रिलेटेड विद दैट नेम कार्तिक अश्विन को हम मैं अब कार्तिक ही बोलूंगी वेन एवर आई सी अश्विन क्योंकि आज तो क्वेश्चन आंसर राउंड है और मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कितने आंसर देता है ठीक है ऋषि ने पूरे क्लासेस बतानी शुरू कर दी है तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास लेकिन ये मत भूलिएगा मैं ये याद नहीं दिला रही कोई बात नहीं मैं ये जरूर याद दिलाऊंगी आप शेयर जरूर करिए और हमारे इस एन टी क्रैश कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है, so, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारे दो फाइलम जिसमें से कॉर्डेटा थोड़ा सा बड़ा वाला है, और उसमें बहुत सारी हैं। दीपांशु आ चुके हैं ठीक है सो so, कल मैं एनटीएससी के फॉर्म के चक्कर में घूम रहा था कोई बात नहीं देवेश आप फिर भी रेगुलर है कोमन कृष्णा आ चुके हैं ठीक है सो so, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अध्यक्ष आ चुकी हैं, सो अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पे तो अब हम स्टार्ट करते हैं हेमिकॉर डेटा अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है आप प्रोटोकॉल डेटा भी सुनते हैं हेमिकॉर डेटा भी सुनते हैं पहले हेमिकॉर डेटा को प्रोटोकॉल डेटा में रखा गया था पूजा चैट मुझे दिख रही आई कैन सी यू आपने वहां दिया चार्ट टाइम सॉरी देखो पूजा मैंने एक चीज सोची है मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट अभी यहां पे मिक्स नहीं करने वाले आज हम ये वाले जो हैं और उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन और आपका एक अलग से सेशन प्लान करके, चाहे चैप्टर वाइज माइंड मैप्स बना लें या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो चार्ट पॉसिबल हैं वो डिस्कस कर लें ठीक है सो so उसके लिए एक अलग से हम अलग सी क्लास डिफरेंट पैटर्न में रख देंगे आज का यहां पर बहुत सिलेबस बड़ा हो चुका था तो फिर मैंने उस चीज को अभी यहां पर इंक्लूड नहीं किया है ठीक है हार्दिक बिल्कुल सही पहले प्रोटोकॉर्डेट्स में तीन चीजें आती थी हेमिकॉर्डेटा यूरोडेटा और सिफेलोकॉडेटा और इन तीनों को जोड़ के बोला जाता था प्रोटोकॉर्डेटा लेकिन अब हेमिकॉर डेटा को वहां से प्रोटोकॉर्डेट से हटा लिया गया है और इसको एक अलग फाइलम में रख दिया है क्योंकि पहले इसमें देखा गया था कि नोटोकॉड है नोटो जैसी कोई लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनिशियली देखा गया कि वो शायद नोटोकॉड है और इसलिए उसको प्रोटोकॉड में रख दिया लेकिन बाद में देखा गया इसके अंदर जो वो कॉड थी वो एक्चुअल नोटोकॉड ना होकर स्टोमोकॉड थी ठीक है सो so, एक चार्ट में दूसरा लाई हूं यहां पे यस आई विल रिमेंबर यस चार्ट मुझे लाना है आई विल रिमेंबर एक दूसरा चार्ट लाई हूँ जो बाइपोकेशन बताएगा कॉर्डेट्स का नो अभिना विच फाइन योर नॉट लेट अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है तो इसमें हम बेलनोग्लॉसिस जैसे वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स को यहां देखते हैं ये यहाँ पे unsegmented है बाकी सारे अनसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ये सारी चीजें जो हम कल के फाइलम्स में देख रहे थे सब कुछ सेम है बायलैटरल सिमेट्री हो गई काइनोडरमेटा रेडियल थी लेकिन यहां पे वापस बायलैटरल सिमेट्री हो गई अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही थी इनकी बॉडी दिस इज अ अन्सिस आपने देखा भी होगा ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है इसमें तीन पार्ट हैं उसका ऊपर का पोर्शन को हम प्रोबोसिस कहते हैं नीचे का पोर्शन को हम कॉलर कहते हैं और बाकी पूरा है ट्रंक सो so यहां पे ये तीन रीजनस में बैलन डिवाइड किया गया है राइट right? सो so अब यहां पे यस आई विल रिमेंबर दैट चार्ट पार्ट ठीक है सो आई हैव नोटेड इट डाउन एंड आई विल जस्ट डू इट अब यहां पे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो नोटोकॉड का भी एज्यूम की गई थी वो अब स्टोमोकॉड कहलाती है इट इज अस्टोमो कॉड और ये यह यहां पे बकल कैविटी के पास ये छोटी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर थी तो इसको अब कॉर्टेज में से हटा लिया गया है इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ कार्टेज और इसको एक सेपरेट फाइलम दे दी है ऑलमोस्ट इट इज इन टू नॉन कॉर्टेक्स ठीक है सो ऑलमोस्ट बीच में है थोड़े से इसके फीचर्स आ गए थोड़े से उसके फीचर्स आ गए गिल स्लिट्स हैं इनके अंदर गिल स्लिट्स हैं हम आगे जाके भी कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स पढ़ेंगे जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ठीक है जाहिद यू आर नॉट लेट बिल्स थोड़ा सा निकला है बस हेमी कॉर्डेटा का कि हमने ये क्यों बोला क्योंकि आपको बहुत जगह ये प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूडेड मिलेगा बट आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लैरिफाई इन दिस क्लास कि अब सेपरेट आउट हो चुका है ठीक है लेकिन अगर कहीं ये प्रोटोकॉर्डेट्स में है तो वो भी मैंने आपको समझा दिया कि क्यों है राइट right? अभी मैंने कॉर्डेटा जाहिर शुरू नहीं किया अभी सिर्फ हम हेमी कॉर्डेटा पे चल रहे हैं जिसका एग्जांपल है ये कभी में में रखा गया था लेकिन अब इसको सेपरेट आउट करके हमने हेमी कॉर्डेटा में रख दिया ठीक है अभी कॉर्डेटा जाहिर शुरू नहीं हुआ है कॉर्डेटा अब शुरू होगा अब कॉर्डेटा से क्यों हटाया गया और कॉर्डेट्स हैं तो उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर्स ये बेसिक बाकी सब तो सेम है ट्रिपलोब्लास्टिक हो गया बायलैटरल सिमिट्री हो गई सिलोम हो गया ये सारी चीजें सेम होगी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा लेकिन ये चार मेन फीचर्स होने चाहिए टू बी अ अडिट्स यस करेक्ट यहां पे होना चाहिए नोटोकॉर्ड ठीक है so आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं नोटोकॉर्ड है ये ब्लू वाली लाइट ब्लू कलर की रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो इनिशियली मसल को होल्डिंग में लोकोमोशन में हेल्प कर रही थी आगे जाके ये ये हम लोगों में ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है ठीक है so, सो कुछ में ये नोटोकॉट परसिस्ट करती है और कुछ में वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है तो आगे जाके हम कॉर्डेट्स के सब फाइलम्स भी पढ़ेंगे अब कॉर्डेट्स में होने के लिए एक तो नोटोकॉट चाहिए दूसरा डॉर्सल नर्व कॉर्ड डॉर्सल पोर्शन में नर्व कॉर्ड होना चाहिए ठीक है सो so यहाँ पे यूरोकॉर्डेट में नर्व कॉर्ड एक समय के लिए होता है मैं उस पर आऊंगी सिर्फ लार्वल स्टेज पे होता है मैं उस पर भी आऊंगी हार्दिक ठीक है सो so अब यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड है वो ऊपर की तरफ डॉर्सली प्लेस्ड है जो हम लोगों में आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है उसके अलावा आप यहां देख सकते हैं गिल स्लिट्स हैं ये होना चाहिए और एनस के बाद टेल है पोस्ट एनल टेल अब ये बात है कि ये सारे कैरेक्टर्स क्या ये सब में देखे जाते हैं नहीं यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करनी पड़ेगी कि ये सारे जो फीचर्स हैं ये कोई एक स्टेज में प्रेजेंट होना चाहिए चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो चाहे लार्वल स्टेज पे हो एडल्ट में ये डिसअपियर हो जाए कोई बात नहीं बट इट शुड बी प्रेजेंट एट सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ तो इनमें से ये सारे फीचर्स होने चाहिए टू बी कॉर्डेट एंड दीज कैरेक्टर शुड बी प्रेजेंट एट सम पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म देन दोज ऑर्गेनिजम्स विल बी केप्ट अंडर कॉर्डेट्स ठीक है अब यहां पे ये कॉर्डेट्स में हो गया अब ये है कॉर्डेट्स के फाइलम यहां पे किस तरह से बाइफरकेट हुआ है? मैं यही समझा रही हूं हम यही के यही कर लेंगे और सिर्फ क्लासेस को हम डिटेल में देखने वाले हैं तो प्लीज इसको ध्यान से यह वाला चार्ट देखिए जो कॉर्डेट्स हैं वो तीन सब फ़ाइलम्स में डिवाइड किया गया है तीन सब फाइलम में कॉर्डेट्स क्योंकि इसके फीचर्स अलग हैं कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा सिंपल है वर्टिब्रेटा क्योंकि यहां पे जो नोटोकॉड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई है

टेल पार्ट में रहेगा और वो भी सिर्फ लार्वल स्टेज पे तो यहाँ पे इन तीनों में हम लोगों के एम्ब्रियोनिक स्टेज में सब कुछ रहता है आपको अगर याद हो तो हमने एम्ब्रियोनल एविडेंसेस देखे थे और उस वक्त आपने सारे एम्ब्रियो चाहे फिशेस हो एम्फीबियंस हो रेप्टाइल्स हो एब्स हो मैमल्स हो सब इनिशियल लेवल पे बिल्कुल सिमिलर थे उस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज थी अब टेल तो नहीं है बट एटलीस्ट टेल बोन जरूर रह गई है ठीक है सो so ये किसी न किसी स्टेज पे होना चाहिए तो भले आप एडल्ट में अगर सोचे कि नहीं है तो वो नहीं है क्योंकि वो किसी न किसी स्टेज पे होनी चाहिए ठीक है हम लोगों में यहां पे यहां पे अब जो पार्ट है यूरो और सिफेलो को किसमें इंक्लूड किया गया प्रोटोकॉर्डेट्स में इनको एक ग्रुप बना दिया है और उसको हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं अगर आपको लगता है कि प्रोटोकॉर्डेट वर्ड नहीं आया तो प्रोटोकॉर्डेट इंक्लूड यूरोकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स टूगेदर इट्स अ ग्रुप और वर्टिब्रेटा अलग है पर अगर देखा जाए तो तीनों एक सब फाइलम है अब यहां पे जो वर्टिब्रेटा है वो फर्दर डिवाइड हुआ है फर्दर डिवाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉज अगर जॉ नहीं है तो वो अग्नाथा कहलाता है अग्नाथा मीन्स जॉलेस और अग्नाथा में एक ही क्लास आएगी जो हम पढ़ेंगे वो है साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा एक ही क्लास आती है जॉ के डिवीजन में दूसरा हमारा जो है डिवीजन वो है नेथोस्टोमेटा टा में जॉज होंगे और ये फर्दर आगे जाके डिवाइड होगा सुपर क्लास में दो सुपर क्लास में एक बार मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ सुपर क्लास में यहां पे ये डिवाइड होगा एक है पाइसिस जिसमें फिंस होंगी और दूसरा टेट्रोपोडा टेट्रा मींस फोर तो इनके अंदर फोर लिम्स होंगे दो फोर लिम्स दो हाइंड लिम्स दो हैंड लेग हमारे के हिसाब से हो जाए या बर्ड में फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स और लेग्स हो जाए या फिर हम फ्रॉग्स में बात करें तो फोर लिम्स और हैंड लिम्स फोर लेग्स हैं तो टेट्रापोडा हो गया अब इनके अंदर क्लासेस डिवाइड होंगी जो पाइसेस हैं इसमें दो क्लास होंगी अगर आपने जनरल सुना है तो कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिशेस जिसको हम कॉन्ड्रेक्टस बोलते हैं जो कि कार्टिलेजनस फिश है और ऑस्टाइक्थस बोलते हैं जो कि हमारी बोनी फिशेस है ठीक है यू डोंट लाइक दिस चैप्टर बट ये आता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं अभी आज एन में एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम भी टू क्वेश्चन तो आते ही हैं टेट्रापोडा की अगर हम बात करें यहां पे तो टेट्रापोडा में चार यहां पे एम्फीबिया रेप्टाइल एव्स और मैमल्स ये चार क्लासेस यहां पे होती हैं दीपांशी गुड इवनिंग सो एम्फीबिया रेप्टिलिया एब्स और ममेलिया हम ये चार को पढ़ेंगे टेट्रापोडा के अंदर तो टोटल क्लासेस हमें कितनी पढ़नी है डिटेल में साइक्लोस्टोमेटा और यहाँ पे कॉन्ड्रेक्टिस और ऑस्टाक्थिस यहां पे एम्फीबिया रेप्टीलिया एब्स और ममेलिया ठीक है अब हम यहां पे इसको अब वापस हम डिस्कस नहीं करने वाले इसलिए मैंने इसको यहाँ पे टाइम लेके एक्सप्लेन किया है अब हम डायरेक्टली क्लासेस में जाएंगे और ये हम क्लासेस डायरेक्टली डिटेल में पढ़ने वाले हैं राइट right? अब यहाँ पे यूरो कॉर्डेट्स का मैंने जैसे बताया था कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट ओनली इन द लार्वल स्टेज इन द टेल पार्ट और इसका एग्जाम्पल है आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह के शेप्स के हैं ये स्ट्रक्चर्स और यहाँ पे ये है सेल्पा डोलियोलम ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं सो so, यहाँ पे इनको ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है तो एक जस्ट लाइन आपको याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड रिमेंस देयर देयर ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज एंड इट डिसअपियर्स व्हेन इट ग्रोज़ अप और ये सिर्फ टेल पार्ट में होती है और अगर हम सेफेलोकॉर्डेट्स की बात करें तो यहाँ पे इट पर्सिस्ट्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड हियर इट पर्सिस्ट्स फॉर थ्रू आउट द लाइफ ठीक है सो यहां पे अब हम यहाँ पे ये जो एम्फियोक्सिस बोलते हैं इसको हम एम्फियोक्सिस बोलते हैं यहाँ पे डॉर्सो लेटरल साइड हार्ट इज इन देंट्रल साइड हियर ठीक है सो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब अगर ये वर्टिब्रेटा की बात करें सो so, हियर हार्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते कि डॉर्सो लैटरल पोजिशन में है ऑलमोस्ट इन द मिडिल पार्ट ऑफ दसिक कैविटी इन बिट्वीन द टू लास्ट ठीक है अब वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो वर्टिब्रेटा में जैसे मैंने बताया नोटोकॉड इज कन्वर्टेड नॉट मच हैज बिन गॉन यहां पे ये यह थोड़ा सा इज़ी है ठीक है यहां पे आज का यह चीज ईजी है क्रेनियटा वेर द ब्रेन इज फुल्ली डेवलप्ड ठीक है क्रेनियम इज फुल्ली डेवलप्ड क्रेनियम डेवलप्ड है वोटिब्रल कॉलम यहाँ बन चुकी है नोटोकॉट से ये मोर डेवलप्ड पार्ट है यहाँ पे एंडोस्केलेटन ज्यादातर डेवलप्ड है अच्छे से अगर हम यहाँ पे वेंट्रल हार्ट की बात करें जैसे मैंने कहा था इन थोड़े से कैविटी वेंट्रल पार्ट में सो so, यहाँ पे ये यह जो हार्ट है वेंट्रल पार्ट ये दो चैंबर तीन चैम्बर या चार चैम्बर में हो सकते हैं सो हियर इट इज प्रेजेंट एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी इन एवरी क्लासेस कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होंगे यहां पे दो चैम्बर होंगे कि तीन चैम्बर होंगे कि चार चैम्बर होंगे ये सब प्रोटोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा आएगा और सिफेलोकॉडेटा आएगा बस अब वर्टिब्रेटा अलग फाइलम हो जाता है वर्टिब्रेटा प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं आते हैं वर्टिब्रेटा इज सेपरेट प्रोटोकॉर्डेटा इज अ ग्रुप इंक्लूडिंग यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम एंड सिपेलोकॉडेटा ठीक है वो कंप्लीट हो गया अब हम वर्टिब्रेटा में आ चुके हैं पंद्रह बीस बार में ठीक है अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो याद हो जाएंगे किडनी इज हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन और यहां पे या तो अगर हम पाइसिस की बात करें तो फिंस हैं और अगर हम यहां पे टेट्रापोडा की बात करें तो लिम्स हैं लिम्स हैं हा यस क्रोकोडाइल जो एक्सेप्शन है हम वो रेप्टाइल्स में जरूर देखने वाले हैं यहां पे ठीक है सो so, अब ये साइक्लोस्टोमेटा हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये अग्नाथा में था क्यों था क्योंकि इसके अंदर जॉज़ एबजेंट है यहां पे जॉज़ एबजेंट है अब यहां पे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्टोपैरासाइट्स है दे ऑल आर हैकिंग एंड सर्कुलर माउथ एंड दे ऑल आर एक्टो पैरासाइट ये बड़े बड़ी फिशेज की बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफर्स कल भी हमने हुक्स एंड देखे थे ठीक है प्लेटी हेलमेंस में वो भी एक पैरासाइट्स है एंडो पैरासाइट्स है और वहां पर भी हमने हुक्स और सकर देखे थे वैसे ही हम यहाँ पे भी सकिंग माउथ है और जिसकी हेल्प से वो एक्टो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं यहाँ पे पेट्रोजिन है मैगजिन है ये दोनों आ जाएंगे लैम्प्रे और हैक फिशेज यहां पर अगर हम स्केल्स की बात करें क्योंकि अगर आप जब देखेंगे उनको तो दे लुक लाइक अ फिश पर एक्चुअली ये फिश नहीं है ये अलग ग्रुप है तो इनकी बॉडी में स्केल्स एब्जेंट है अगर हम पाइसेस की बात करेंगे तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं यहां स्केल्स एब्सेंट है अगर हम पाइसेस की बात करेंगे तो वहां पे जो फिन होती हैं वो पेयर्ड होती हैं लेकिन यहाँ पे जो फिन है आपको सिंगल दिख रही होगी अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट है क्रेनियम है कार्टिलेजनस है और वर्टिब्रल कॉलम भी है तभी ये वर्टिब्रेटा में आए हैं बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इनके अंदर जॉज नहीं होंगे और ये रेस्पिरेशन करते हैं गिल से तो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं मिक्सिन एंड पेट्रोमाइजन हैकफिशेज एंड लिम्प्रेस सो ये हमारा हो गया कंफ्यूजन हो रहा है क्यों ये एक सेपरेट सिंगल क्लास है जो जॉलेस में आता है था में बस कंप्लीट ये इतना ही याद करना है आपको इसके में सिर्फ ये याद करना है ये पैरासाइट है सकिंग माउथ है बस और इनमें जॉज नहीं होते खत्म अगर आप इतना भी याद करते हैं मोर देन ठीक है थैंक यू अश्विन ये मोर देन एनफ है आप इतना भी याद कर लेंगे यश तो हो जाएगा अब यहां पे हम आते हैं पाइसेस पे ये सुपर क्लास है पाइसेस और टेट्रापोडा तो हम पाइसेस से स्टार्ट कर रहे हैं अब ये जो पाइसेस हैं हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कार्टिलेजनस और बोनी फिशेस में ठीक है सो अब यहां पे ये जो फिशेस हैं हम एक बार पूरी जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं दे रेस्पायर विद द गिल्स दे हैव फस फॉर द मूवमेंट एंड द टेल दे हैव स्केल्स प्रेजेंट ऑन देअर बॉडी जो मेन फीचर है हम इसको कंपेयर भी करेंगे बाकी ऑर्गेनिज्म से जैसे एम्फीबियंस में स्केल्स एबजेंट होते हैं अब इसके अलावा इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन है सो दैट दे कैन ईजिली कट द वॉटर एंड मूव स्मूदली इनमें पेर्ड गिलिट भी हैं ठीक है अब यहाँ पे कार्टिलेजनस भी एंडोस्केलेटन हो सकता है और बोनी भी इसलिए हमने दो टाइप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आ, और इन दोनों को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे हम यहां पे जनरल फीचर्स पहले से ही देख लेते हैं अब यहां पे आए कोल्ड ब्लडेड कल आप लोग कोल्ड ब्लडेड बोल रहे थे और मैंने यही कहा था आज हम इसमें आएंगे हार्ट में इनके में होंगे दो ही चैंबर्स दे हैव हाँ ओनली टू चैंबर्स ओरिकल और एक वेंट्रिकल हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं हाँ, इसमें शार्क्स होंगी डॉग फिशेस हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं अगर ह्यूमन की बात करें तो ऊपर के दो ओरिकल्स नीचे के दो वेंट्रिकल्स अगर हम पाइसेस की बात करें फिशेस में होते हैं सिर्फ दो चेंबर एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल टू चैंबर्स होते हैं अब ये कोल्ड ब्लडेड है ठीक है ये कोल्ड ब्लडेड है यानी कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड हम दो टर्म्स पे आएंगे वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहती और एनवायरमेंटल कंडीशन से वो फ्लक्चुएट होती है चेंज होती है वृतिका करेक्ट हम ब्लडेड हैं यहां पे क्योंकि हम यहां पे अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहती है हमारी भी रहेगी और एव्स की भी रहेगी तो ये दोनों वार्म ब्लडेड में आते हैं और बाकी की तीनों क्लासेस हो गए हो गए एम्फिबियंस और रेप्टाइल सारे के सारे आ जाएंगे कोल्ड ब्लडेड में शशांक बिल्कुल सही दो चैंबर हैं इनमें ठीक है थ्री एंड हाफ होता है ऑलमोस्ट इन रेप्टाइल और कोकोडाइल में वो ऑलमोस्ट फोर कंप्लीट हो जाता है ठीक है अब यहां पे हम आएंगे कॉन्ड्रेजिस uh, में यानी कि ये कार्टिलेजनस फिशेस हैं कुछ तो मेन कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हम डील कर चुके हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रीमलाइन बॉडी लेकिन हम कार्टिलेजनस और बोनी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बहुत इजी है उनके माउथ को देखना है हमें अगर आप इसका माउथ देखेंगे नीचे की तरफ है वेंट्रल हम जब भी दो वर्ड यूज करते हैं यस वेनस हार्ट होती है इसमें क्योंकि यहां पे डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है इनमें ठीक है अब यहां पे जो माउथ है वो नीचे की तरफ है वेंट्रल नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में है ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि बोनी में नहीं होगा बोनी में जो माउथ होगा वो बिल्कुल टिप पे है वो ना वेंट्रल है ना डॉर्सल है और उसके अलावा अगर आप यहां पे स्लिट्स देखें क्लियरली विजिबल, विजिबल है यहां पे करेक्ट मानिया द गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाय पर ओपर ये दो मेन फीचर्स हैं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे अगर आपके सामने कोई फिश रख दी जाए कि वो बोधी फिश है कि कार्टिलेजनस फिश तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डॉग फिश यहां पर आती है यहां पे बेसिकली आपको मिलेंगे सारी शार्क्स की कैटेगरी ठीक है और डॉग फिश भी एक शाखी है एंड इट कम्स अंडर दिस ठीक सो यहाँ पे वेंट्रल है माउथ फिंस और टेल्स पे हम ऑलरेडी पाइस में देख चुके हैं ओपरकुलम यहाँ पे एबजेंट है हार्ट टू चैम्बर्ड है हम वो डिस्कस कर चुके हैं कोल्ड ब्लडेड हम डिस्कस कर चुके हैं एक और इंटरनली डिफरेंस है जो मैंने माउथ और ओपरकुलम कहा था वो एक्सटर्नल फीचर्स में है एक और डिफरेंस है यहाँ पर अंदर में अगर हम इनकी बॉडी में देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर होता है बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर बोले चाहे एयर ब्लैडर बोले यस हियर इन दिस केस कॉन्ड्रैक्थिस मोस्टली दे आर वीवी पैरस हम हमेशा ये बोलते हैं पाइसेस आर लेइंग एग्स बर अगर हम कॉन्ड्रैक्थिस की बात करें यहां फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इसमें से कुछ वीवी पैरस भी होते हैं ठीक है यहां पे स्केल्स टाइप्स हम सीनियर क्लास में पढ़ते हैं प्लेकॉइड और uh, cycloids. तो यहां पे साइक्लॉइड हैं हार्दिक थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहे हैं दे ऑल ले एग्स बट इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स सम ऑफ देम आर वीवी पैरसीबल एंड हियर द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और इनके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है सो so, इनको फ्रीक्वेंटली स्विम करना पड़ता है ये रुक नहीं सकते बिकॉज दे मे सिंक इवन यस सॉरी कार्तिक आई फो गॉड की मुझे अश्विन नहीं कार्तिक बोलना है आई एम सॉरी फॉर दैट ठीक है ओके यस सो पे वो थोड़ा सा है कुछ एक, कुछ एक यहाँ पे दे गिव बर्थ टू यंग वन इवन इन सर्टन केसेस अब हम यहाँ पे ट्राइगोन हो गया टॉपीडो हो गया ये हमारा हो गया शाक ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं अब हम आते हैं बोनी फिशेज में ज्यादा कुछ नहीं सेम है ऑलमोस्ट स्ट्रीम लाइन बॉडी अब यहां पे जो माउथ आ गई वो टर्मिनल है आपने पहले ही लिख दिया था टर्मिनल माउथ है बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है टर्मिनल पे है ओपरकुलम है आप यहां पे कोई स्लिट्स नहीं देख सकते आप देखेंगे यहां पे एक कवरिंग uh, प्रेजेंट है और उस कवरिंग को हम कहते हैं ओपरकुलम सो इन दिस केस ओपरकुलम इज प्रेजेंट इसके अलावा इनके अंदर होते हैं एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर और इसके अंदर होती है एयर और ये उन फिशेस को बायसी प्रोवाइड करती है सो दैट इजली दे कैन रिवर यस सो ओपरकुलम इज प्रेजेंट एंड हियर इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर रोहू कटला ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए टू चैम्बर्ड हार्ट सेम है यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड है वो भी चीज सेम है यहां जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है एंड दे आर ओवी पैर ठीक है सो so, ये ओवी पैरस है इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर लेइंग एग्स अब हम यहां पे सी हॉर्स भी आ गया रोहू है कटला है सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ जाएंगे यस दे आर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल दे रिलीज द एग्स इन द वॉटर ठीक अब हम आ जाते हैं यहां पर एम्फीबिया में अब सारे क्लासेस आपको रिलेट कर सकेंगे क्योंकि आप ये सारे ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं एम्फीबिया को पढ़ने के लिए आप फ्रॉग को सोच सकते हैं ठीक है so, सो जब भी यहाँ पे आ, इस चैप्टर के किसी ने नोट ओके okay, वो अलग चीज है और यहाँ पे जो एम्फीबिया की बात करेंगे हम फ्रॉग्स को आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे ये एम्फीबिया क्यों बोला जाता है बिकॉज दे कैन लिव इन द वॉटर एंड दे कैन लिव ऑन द लैंड दोनों दे आर लिविंग बोथ द लाइफ अगर आप इनके टेटपोल्स को देखें तो वो आराम से वॉटर में रहते हैं वो आराम से लैंड पे रह सकते हैं अगर हम मोस्ट ऑफ द केसेज में देखें तो हेड और ट्रंक है लेकिन कुछ केसेस में टेल भी प्रेजेंट हो सकती है अब इनकी अगर स्किन की बात करें जैसे मैंने आपसे कहा था जब मैं पाइसिस की बात करूंगी स्केल्स प्रेजेंट है लेकिन जब मैं एम्फीबिया की बात करूंगी तो उनकी स्किन बिल्कुल म्यूकस होता है उसमें स्लिपरी होती है क्योंकि थू थू दे कैन रेस्पायर थ्रू द स्किन और यहां पे स्केल्स एब्जेंट है तो टोटली और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो उसको स्लिपरी बनाते हैं सॉफ्ट है स्मूद है रिच इन ग्लैंड है और यहाँ पे ये जो क्रोमैटो है आप अगर फ्रॉक की बात करते हैं तो डार्क ग्रीन है वो ग्रीनिश कलर है दे कैन ईजिली लाइक हाइड इन द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ दोस कलर तो वो आराम से अपने एनवायरमेंट का मिमिक कर सकते हैं हाइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंटेड सेल्स ठीक है, तो इनकी स्किन को जैसे अपने स्किन से रेस्पायर कर सकता था, ये भी कर सकते हैं तो अगर हम इनके यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात करें तो ये लंग्स भी हैं, स्किन भी है और इनकी बकल कैविटी की जो लाइनिंग है उसके थ्रू भी डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन हो सकता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है करेक्ट रूपाली इनके अंदर होते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट लेकिन जब ये टेटपोल फॉर्म में होते हैं तो ये गिल्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बफो भी है टोड्स बड़े साइज के वो भी इसी का एग्जाम्पल है तीन चैम्बर में दो ऑरिकल होंगे एक वेंट्रिकल होगा और ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड सेम कोल्ड ब्लडेड ठीक है ब्रेन ज्यादा इनका डेवलप नहीं है टॉट इज इज नॉट दिस इट कम्स अंडर रेप्टाइल जैसे आपने देखा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स को वाटर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए लेकिन जब हम टेरीडोफाइट्स में जाते हैं मोर ऑन द लैंड लेस ऑन दाटर सिमिलर केसेस सीन इन द सेलेमेंडर इसमें आते हैं अक्सर स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज हो जाते हैं वो सेलेमेंडर को रेप्टाइल में सोच लेते हैं लेकिन वो एक्चुअली एग्जाम्पल है एम्फीबिया का ठीक है सो so अब यहां पे एग्स लेइंग होगा जिलेटिनस जिलेटिनस एग्स एग्स हैं हैं यहां पे सॉफ्ट ठीक है, है इनमें कोई हार्ड कवरिंग नहीं है यहां पे भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है टेडपोल की बात मैं पहले ही बता चुकी हूं छोटे में वो टेडपोल होते हैं गिल से रेस्पायर करते हैं टेल्स भी हैं लेकिन वो मेटामोरफोसिस होके अ असर्टन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी एंड दे चेंज इन टू अ प्रॉपर फ्रॉग और यहां एग्जाम्पल हो जाता है हमारा सेलामेंडो फ्रॉग्स Newest, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स एम्फीबियंस के हैं ठीक है दे आर ओवी पैरिस ऑफकोर्स यहां पे अब हम रेप्टीलिया में आ गए हैं क्रॉलिंग एनिमल्स यहां पे रेप्टीलिया का मतलब है क्रॉलिंग मूवमेंट और उससे नाम आया है रेप्टीलिया क्रॉलिंग ठीक है सो so, इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आपको क्रॉलिंग दिखेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे उनके पास यानी कि फाइव फिंगर्स या टोज होंगी विध टू पेयर्स ऑफ लिम्स लेकिन स्नेक की अगर हम बात करें तो वो रिड्यूज या फिर बिल्कुल एबजेंट है अब हम वापस चेंज कर रहे हैं रेप्टाइल्स में क्योंकि ये मोर लेस दे रिमेन ऑन द लैंड दे कैन गो इन द वॉटर बट इफ यू सी दे ले देयर एग ऑन द लैंड दे हैव लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन सो सारे अडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल के हिसाब से है नाउ दे आर एवोल्यूशन अगर आप देखें पाइस पानी में था एम्फीबियंस बीच में हो गए टेरेस्ट्री यहाँ पे रेप्टाइल्स टूवर्ड्स मोर टेरेस्ट्रियल और फिर जब हम मैम्स और एव्स में आएंगे तो टोटली वही हो जाएगा स्केल्स प्रेजेंट है यहाँ पे स्क्यूट प्लेट्स भी प्रेजेंट है अगर आप टोटीज की बात करें तो स्केल्स आर प्रेजेंट यहाँ पे स्किन इज टोटली ड्राई यहाँ पे स्किन ड्राई है ये कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कई बार एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का तब ये काम आने वाला है यहां पे अब लंग्स जैसे मैंने बताया लंग्स अब आ चुके हैं मोर ऑन द टेरेस्ट्रियल सो लंग्स आर रिक्वायर्ड अब अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो इनमें भी थ्री चैम्बर्ड मैंने लिखा है क्योंकि दो ऑरिकल और वेंट्रिकल जो पार्शियली डिवाइड हो रहा है पर हुआ नहीं है क्वेश्चन so आता है चैम्बर्स पे क्वेश्चन आता, आता, आता है मैं बता दू आपको मैं मार्क करना भूल गई ठीक है यहाँ पे मार्क कर देती हूँ ठीक है यहाँ पे अक्सर चैम्बर्स पूछ लिए जाते हैं कोल्ड ब्लडेड वॉर्म ब्लडेड पूछ लिया जाता है और यहाँ पे क्रोकोडाइल का तो जरूर ही पूछा जाता है बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन राइट right? यहां पे अभी भी कोल्ड ब्लडेड है और यहां पे जो फर्टिलाइजेशन है अब इंटरनल है एक चीज और है ये जो एग्स ले करेंगे उनके अंदर होगा शेल एम्फीबीएस में जिलिटिनस कवरिंग थी शेल नहीं था यस दे आर ऑल्सो नोन एज अ क्रॉलिंग एनिमल्स तभी नाम पड़ा है रेप्टीलिया अब थ्री थ्री एंड हाफ थ्री एंड हाफ आप थ्री एंड हाफ कैसे बोल रहे हैं तो हम लोग थ्री को ही स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है वेंट्रिकल्स में ठीक अब यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे जो ये एग्स ले करते हैं वो शेल्ड एग्स होंगे सो so, यहां पे शेल्ड एग्स पाए जाते हैं अब इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देख लेते हैं तो बहुत सारे हैं स्नेक लिजर्ड केमिलियंस हैं क्रोकोडाइल्स हैं टर्टल टॉटिस यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है ये सारे एग्जाम्पल्स ठीक है अब हम फटाफट से यहाँ अब नेक्स्ट में चलते हैं जो कि हमारा है बर्ड्स और ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है क्वेश्चन आंसर्स भी अभी बहुत सारे बचे आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर एव्स हम बर्ड्स पे आ जाते हैं फटाफट बर्ड की तो आपको भी कैरेक्टर्स याद होंगे यहां पे बर्ड अब यहां पे फ्लाइट के अडेप्टेशन बर्ड में देखने को मिलेंगे प्रेजेंस ऑफ फेदर द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स और उनके जो हाइंड लिम्स है वो परचिंग होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा काम आते हैं ये ब्रांचेस पे बैठते हैं तो ये परचिंग के काम आते हैं पकड़ने के काम आते हैं इनके अंदर होती हैं बीक्स जॉज आर मॉडिफाइड इन टू बीक इनकी जो बॉडी है लाइट क्यों लाइट है क्योंकि इनकी हॉलो बोन्स होती हैं हम होलो बोन्स को बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स ठीक है यहां पे न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं नर्चरस गिव मी द टेक्निकल नेम सी आई कैन नॉट रिमेंबर सो मेनी डाइवर्सिटी तभी तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ठीक है सो so, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे वो मेन एग्जाम्पल्स को अपन को ध्यान रखना है अगर हम सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने बैठेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे सो इट्स माई सजेशन गो फॉर द मेन वन वॉर्म ब्लडेड है लंग्स है फोर चैम्बर्ड हार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे जो इनके लंग्स है उसमें एयर सैक भी पाए जाते हैं फॉर एडिशनल रेस्पिरेशन वो उनको सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि अगर आप फ्लाइट कर रहे हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी अ गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे एक तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही वार्म ब्लडेड है डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही है बॉडी लाइट है हैं और उसके अलावा यहाँ पे एयर सैक है ताकि वो इजिली ये कर सके प्रिम ग्लैंड है जो कि ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं टेल के पास है यहाँ पे ग्लैंड भी इनमें प्रेजेंट है ठीक है अब हम यहाँ पे एग लेंग है शेल्ड ऑर्गेनिज्म है शेल्ड एग्स ओवी पैरस है अगेन और ये इनके सारे एग्जाम्पल्स हैं इनमें कुछ बर्ड्स हैं कीवी हो गया ऑस्ट्रिच हो गया ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे पेंगुइन्स हो गए ये सारे फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं तो जरूरी नहीं है कि सब फ्लाई करें अब यहां पे हम आ जाते हैं आगे मैमल्स पे ममेलिया नाम से ही पता चल रहा है हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस क्लास इज द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड Here mainly they are viviparous and here they give birth to young ones kuch exception hai jo hum dekhenge so viviparous hai sebaceous gland sweat glands hai jo inme dekha jata hai external pina है जो इनमें देखा, इन देखा जाता है body is covered by hair जो इनमें देखा जाता है diverse place में ये मिलते हैं they are spreaded to various parts कुछ फ्लाइंग है कुछ एक्वेटिक है टेरेस्ट्रियल है पोलर रीजन है डिजर्ट है हर जगह ये पाए जाते हैं ये यहाँ पे आई है आईलिड्स है लिम्स है सब कुछ हेयर स्वेट ग्लैंड मैंने आपको बता दिया एक्सटर्नल पिन्ना और इनका जो नाम आया है वो है मेमरी ग्लैंड से सो मेमरी ग्लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वॉर्म ब्लडेड है फोर चैम्बर्ड हार्ट है लंग्स प्रेजेंट है यहाँ पे और ये फोर चैम्बर्ड है वॉर्म ब्लडेड है तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम यहां पढ़ते हैं वो भी है। अब हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन पे आएंगे यस yes, मोनोट्रिम पे आ रहे हैं पाउच एनिमल्स पे आ रहे हैं और ट्रू कॉट यहाँ पे मैमल्स पे आ रहे हैं एक ग्रुप है जो अभी भी रेप्टिलियन कैरेक्टर्स को शो करता है हम इनको लिंक के तौर पे देख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक तो ये मोनोट्रिम्स हैं यहाँ पे दे आर लेइंग एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस और यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एंट ईटर स्पाइनी एंट ईटर इकिडना और यहां पे डक बिल्ड प्लेटिपस इन दो एग्जांपल्स को अच्छे से यहां पे लर्न करना है हमें ठीक है प्लेटिपस और यहाँ पे इकिडना स्पाइनी एंड ईटर सो ये एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं सो दे आर मेनली हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स और काफी कुछ यहाँ पे मैमल्स के कैरेक्टर्स हैं। एक ग्रुप और है जहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है कीपिंग इन द पाउच वहां पे पाउच एनिमल्स हैं मार्सोपियल्स बोला जाता है कैंगला आर द एग्जाम्पल्स हियर एंड द नरिशमेंट इज गिविंग टू देम बाय कीपिंग देम इन पाउच तो पाउच में रखते हैं जब तक कि वो फुल्ली डेवलप ना हो जाए और इसके बाद आते हैं प्लासेंटिल प्लासेंटिल मैमल्स प्लासेंटा हम टेंथ में लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट

and of course it will be on Sunday, maybe not on this Sunday you will get a notification. so you will get a notification for everything. so ye ho गया hamare sare placental. ab hum aa jate hain viruses pe ठीक है. viruses are the non-living, a cellular है cellular cellular नहीं है. इसकी जो body बनी है वो protein coat की है और अंदर कोई न कोई genetic material होगा या तो DNA या तो RNA. अब इसको आउटसाइड द होस्ट सेल क्रिस्टलाइन कर सकते हैं रख सकते हैं ये इनर्ट होते हैं कुछ नहीं करते लेकिन जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर चले जाते हैं सो देयर जेनेटिक मटेरियल इज सो स्ट्रोंग कि वो होस्ट सेल को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद ये मल्टीप्लाई करते जाते हैं दे आर सो स्ट्रांग अगर हम यहां देखें पता ही है एजिनो वायरस बहुत तरीके के फीवर कॉमन कोल्ड और बहुत रेस्पिरेटरी डिसीजे इस तरह के डिसीजेस कॉज करते हैं सो दिस वॉज अबाउट द वायरस और वायरॉइड थोड़े सिमिलर हैं वायरस से वायरस में प्रोटीन कोट भी है जेनेटिक मटेरियल भी है लेकिन अगर हम वायरस की वायरोइड्स की बात करें तो इनमें वो प्रोटीन कोट भी नहीं मिलता दे आर सिंपली अन आर एन ए सिंपल आर एन ए इज नोन एज मैम मैं आपके हैंड्स ही ओके, ठीक okay, so, है ठीक है सॉरी कंट्रोल माय हैंड्स इन दैट केस ठीक है सो so, यहाँ ये वायरॉइड्स जो हैं, ये सिर्फ फ्री वायरस के बने होते हैं सॉरी आर एन ए के बने होते हैं एंड दे आर टर्म्ड एज वायरॅ आगे जाके आप प्राय भी सुनेंगे प्रायंस हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन इंफेक्शियस देखा गया फोल्डेड प्रोटीन है जो इंफेक्शियस हो सकते हैं तो ये थोड़ा सा हायर लेवल पे हम जाएंगे ठीक है सो वायरस वायरॉइड हो गया अब आप लोग फटाफट से तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम होने वाला है

हम लोग पढ़ाते रहेंगे लेक्चर्स पूरी तरह से हॉलीडे का नहीं है आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ बता दिया जाएगा दिस टाइम नॉट रेडी कीर्ति कोई बात नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है देखते ही आपको लगेगा आपको आंसर आ गए मान्या ने आंसर भी दे दिया सेम हियर कीर्ति अरे सागर ऐसे मत बोलो प्लीज ईश्वर ने आंसर देख दिया वृतिका ने दे दिया कोमल कृष्णा ने दे दिया बहुत सिंपल है इसमें पूछा गया है और यानी कि हिंट में दिया है और अगर हम वेस्कुलर टिश्यूज की बात करें ना में पाए जाते हैं ना ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं वो सिर्फ पाए जाते हैं टेरिडोफाइट जिम्नोस्पम और एंजियोस्पम में अब ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है आप सबका सी मान्या यश शिम्पी ऋषि दीपांशु पूजा सबने सही आंसर दिया देवेश ने भी दे दिया सी इज द करेक्ट आंसर यहां हिंट दिया गया था हमें जाइलम फ्लोएम को माइंड में रखना है वेस्कुलर टिश्यूज को अनुराग भी आ चुके हैं बिल्कुल सही आंसर हार्दिक भी आंसर दे चुके हैं ठीक है पर्व ने भी आंसर दे दिया सो आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चंस है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एन में सो आई डोंट वांट टू मेक दिस चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड ठीक है इजी पीजी ही आते हैं क्वेश्चंस पूजा तो हम लोग इसको उसी तरीके से इस चैप्टर को लर्न करें सिंपल चीजें लर्न करें इसका आंसर फटाफट फड़ से देना शुरू करिए सुनीता ने आंसर दे दिया आई सुनीता के नाम से कौन आता है प्लीज एक लास्ट टाइम और बता दीजिए मुझे सागर मैं भी अच्छा रितिका देवेश ऋषि सब लोगों ने आंसर दे दिया बिल्कुल सही आंसर है हमारा यहाँ पे रितिका दिशा दिशा ने भी देखो आंसर दे दिया यहाँ पे बाकी प्लीज ट्राई करिए आंसर है हमारा डी ट्रैक्यूल सिस्टम इंसेक्ट्स में बुक लंग्स बुगल्स ट्रैक्यूल सिस्टम पाए जाते हैं इनमें स्पाइरिकल्स के बारे में हमने कल पढ़ा था और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो लंग्स हैं रेप्टाइल्स की बात करें तो लंग्स हैं मैमल्स की बात करें तो लंग्स है बिल्कुल सही आंसर सॉरी सार्थक अब मैं याद रखूंगी सार्थक थैंक यू वेरी मच अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें मुझे नहीं लगता जहां एक्सप्लेन करना है मैं डेफिनेटली करने वाली हूं ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आप लोगों ने ये चीज पूछी भी थी जब मैंने चैप्टर क्लासिफिकेशन का टॉपिक डे बिफोर यस्टरडे स्टार्ट किया था ओके ग्रास ऑपर एग्जाम्पल भी दे दिया कोबल कृष्णा ने वेरी करेक्ट कॉक्रोचेज में भी देखा जाता है ओ माई गॉड टूडे सार्थक इज वेरी फास्ट हार्दिक मान्या दिशा आप लोग बहुत क्विकली आंसर्स दे रहे हैं बिल्कुल सही अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो स्पीशीज है और मैं लार्जेस्ट हाइएस्ट की बात करूं तो वो किंगडम है सो so, बिल्कुल सही आंसर स्पीशीज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऋषि अनुराग शशांक पर्व सबके आंसर्स मुझे यहां पर दिख गए सो आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल रूपाली आप बिल्कुल सही है मानिया सही है कोमल कृष्णा सही है सागर भी वाव सागर है स्टार्टेड गिविंग कीर्ति ने भी आंसर दे दिया आपको तो सब कुछ आता है ठीक है वृतिका भी यहाँ पे आंसर्स दे रही हैं दीपांशु दे रहे हैं सबको ही दे रहे हैं आधर्शा भी दे रही हैं शशांक भी दे चुके हैं सो आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शंस देखने हैं ठीक है यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन देखना पड़ेगा इतना ईजी ही आता है मैं यही तो आपको समझाना चाहती हूँ थ्रू दिस क्वेश्चन इतना ही ईजी आता है अब यहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने आंसर दे दिए और ऑप्शन है ए बिल्कुल सही कैसे मोलस्क में सूडोपोडिया नहीं होता सूडोपोडिया अमीबा में प्रोटिस्टा में होता है यहां मोलस्क बिल्कुल अलग किंगडम आ गया अगर हम निडेरिया की बात करें तो डिमेटोसिस्ट होते हैं उसके निडोब्लास्ट में ट्रू सिलोम एनोलिडा से ही स्टार्ट होता है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो हमने के साथ पढ़ा था वो अकाइनोडर में होता है बिल्कुल सही तो में सूडोपोडिया नहीं होते करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सुडोसिलोमेट में मजाक है पर ऐसे ही मजाक आता है सार तक ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए अभी आपको सब कुछ आता है आपको लग रहा है ये ईजी है पर यही क्वेश्चन जब एन में सारे चैप्टर्स के साथ आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं आप इतना ही स्ट्रॉन्ग रखिए अपनी पढ़ाई को तो बहुत अच्छा करेंगे आप ठीक है सो अब यहां पे यहां पे भी आंसर शायद ए है मुझे लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से आप ए ए अगेन ए बिल्कुल सही निमेटोडा पाया जाता है एनलिट्स में ट्रू सिलोम मोलस्क में ट्रू सिलोम और एस्किल में पाया जाता है यहां पर फॉल्स सीलोम यहां पे जो सिलोम है वो लाइंड नहीं होती मीजोडम से वो पाउच के फॉर्म में होती है बिल्कुल सही आंसर बाकी सब ट्रू सिलोम में पाते हैं अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ध्यान रखना है आज ही हमने एनिमल किंगडम का एम्फीबिया पढ़ा अब हम प्लांट किंगडम की बात करें ठीक है अब यहां देखते हैं कि क्या ऑप्शन ए होगा या हमारा यहां पे ऑप्शन बदलेगा वेरी फास्ट यू ऑल आर वेरी यहां आंसर आ गया वृतिका हार्दिक और शिवांश दिशा सबका आंसर आ गया बिल्कुल सही जा रहे हैं बिल्कुल क्विक आप लोग बहुत फास्ट भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम बिल्कुल सही भी हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आपके जा रहे हैं ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा इज द करेक्ट आंसर इट रिक्वायर्स वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एसज इट कैन बी ऑन द लैंड बट इट रिक्वायर्स वाटर फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमट्स बिल्कुल सही जा रहे हैं बिल्कुल सही बैक्टीरिया बिल्कुल किंगडम मोनेरा हो गया वो तो बिल्कुल ही अलग है जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो ये फिनारो में आगे आ जाता है थैलोफाइटा एल्गी हो जाती है ठीक है एल्गी इज टोटली कंप्लीटली वाटर अब हम आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत अच्छा चल रहा है सी सी थैंक यू मानिया फॉर रिमेम्बरिंग माई नेम एज वेल ओके अब हम यहां आ जाते हैं नेक्स्ट पे डायटम्स अब यहां देखते हैं कितने बच्चों को याद है डायटम्स कौन से किंगडम में आता है ये यस yes, रूपाली बिल्कुल सही है मॉसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स बिल्कुल सही अब फुनेरिया भी उसी का एग्जांपल है ठीक है ये सारे एग्जाम्पल्स आप जो दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है रूपाली आप ब्रायोफाइट्स के दे रहे हैं अब यहां पे देखते हैं ओ आंसर्स आने शुरू हो गए बी आप लोग बिल्कुल नहीं भूले डाइटम्स डायनोफ्लैजलेट्स प्रोटोजोवंस युगलीना अमीबा पैरामीशियम ये सारे आते हैं हमारे यहां पे प्रोटिस्टा में यूनिट सेल्यूलर यू बिल्कुल सही अगर हम मोनेरा की बात करें तो सारे प्रोकैरियोट्स वहां आते हैं बैक्टीरिया अगर हम प्लांटे की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि सारे एनिमल किंगडम्स जो आज हमने पढ़ा बिल्कुल सही बिल्कुल सही यहां पे हम प्रोटिस्टा की ही बात कर रहे हैं ओके okay, कोई बात नहीं जाहिद आप आराम से इसको वापस से यूट्यूब पे भी देख सकते हैं हमारे एनटीएससी के चैनल पे जाके आप फिर से देख सकते हैं ऋषि ने तो बॉम्ब भी बना दिया दिवाली सेलिब्रेशन ऋषि की तरफ से शायद स्टार्ट भी हो गई है शशांक बिल्कुल सही जेलीफिश अब ये जेलीफिश कौन से फाइलम में आती है ये हमें बताना है ये जो जेलीफिश है ये कौन से फाइलम में आती है ठीक है थोड़ा सा सोच के बताइएगा फिश है फिश किसमें आती है आज ही हमने फिशेस पढ़ा था स्पाइस पढ़ा था तो क्या ये कॉर्डेट्स में आएंगे हार्दिक आर यू हंड्रेड परसेंट श्योर हार्दिक मानिया दिशा व्रतिका सागर बिल्कुल सही है यहां फिश वर्ड यूज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिश यहीं आ रही है बिल्कुल सही आप लोग बिल्कुल कोई ऑप्शन सी नहीं देते बिल्कुल सही जेलीफिश ठीक है और एलिया यहाँ पे ये आती है निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा में वाटर में पाए जाते हैं ये एक मेड्यूसा फॉर्म है पोलिप और मेड्यूसा ये एक मेड्यूसा फॉर्म है क्योंकि ये मूवेबल है बिल्कुल सही जेलीफिश में होते हैं टेंटिकल्स और उनके अंदर होते हैं निडोब्लास्ट सेल्स और उनके अंदर होते हैं कैप्सुल्स निमेटोसाइट्स सिस्ट सॉरी सो यहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं हम निडेरिया की बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बाकी चीजों को मुझे एक्सप्लेन करना ही नहीं है निडेरिया रेडियल सिमेट्री होती है बिल्कुल सही यहां पर अब हम आते हैं इसको क्या बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी इसको हम क्या बोलेंगे व्हाट विल यू कॉल दिस एसोसिएशन ये हमने जब किंगडम फंगी पढ़ा था तब ये वर्ड यूज भी किया था यू रिमेंबर वेरी गुड बहुत सिल्वर फिश आद्रपोडा बिल्कुल सही है ये सारे कंफ्यूजन के लिए रखे जाते हैं ओके okay, हार्दिक का आंसर आ चुका है वृतिका का आंसर आ चुका है दिशा का आंसर आ चुका है राधिका का आंसर कीर्ति भी आंसर दे दिया मान्या सब ने ऑलमोस्ट आंसर दे दिया आर यू श्योर तो मुझे फटाफट -फड़ बताइए माइक्रोराइज़ा किसका एसोसिएशन है कल मुझसे ये पूछा गया था और मैंने आंसर भी दिया था तो फटाफट -फड़ माइक्रो का मुझे एसोसिएशन बता दीजिए तब तक मैं लाइकन के आंसर को वेरीफाई कर लेती हूं बिल्कुल सही आंसर लाइकन इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजी यहां पे हो रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे अगर यहाँ पे फंगी इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रीशन एब्सॉर्शन ऑफ वाटर मिनरल टू द एलगी एंड एल्गी इन रिटर्न परफॉर्म दिथेसिस एंड प्रोवाइड द फूड टू द फंगी सो यहाँ पे माइक्रोराइजर का यहाँ पे जो एसोसिएशन है किसी को अगर याद है वेरी गुड कीर्ति ने आंसर दे दिया ग्रोइंग ऑफ फंगी ऑन द रूट ऑफ द चॉल ट्रीज ये एसोसिएशन है वेरी कारेक्ट सार्थक को भी याद है हार्दिक को भी याद है ठीक है तो ये भी कुछ यहाँ पे हो सकता है मिक्स डायलॉग ऑफ जावेद

जहां पे नेकेट सीड्स पाए जाएंगे इनमें से आपको वो आइडेंटिफाई माय गॉड आप लोग तो क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होता है और आपके आंसर्स मेरे बोर्ड पे हो चुके होते हैं हार्दिक दिशा सबके आंसर्स आ चुके होते हैं यू ऑल आर वेरी क्विक मुझे नहीं लगता मैं जितने क्वेश्चन लाई हूं वो दस मिनट भी चलने वाले हैं यू ऑल आर सो क्विक यू डोंट इवन वांट हिंट एंड यू ऑल आर ब्रिलियंटली यस ब्रिलियंटली डन जिम्नोस्पॉम्स नेकेज सी जिमनो अगर कवर्ड होते, तो यह होते यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया और बाकी जो तीन हैं वो क्रिप्टोगैम्स में आते हैं क्रिप्टोगे हैं ये सब स्पोर्ट्स फॉर्म करेंगे सीड नहीं बेयर करते और जिम्नोस्पॉम्स और एनजीओस्पॉम आएंगे फिनरोग्स में जो कि सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं बिल्कुल सही बिल्कुल सही ये होता है फटाफट फड़ से क्या यह yes, स्पाइनस गिंको स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्म्स आपको तो एग्जाम्पल्स भी याद है वेल डन हम मूव करें अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है अब इसमें देखते हैं कौन फटाफट से आंसर देते हैं लेट्स सी यश थैंक यू फॉर दिस बट यू ऑल आर एक्चुअली वर्ड ऑन द रिवर्स बेसिस आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं वेल डन वेल डन अब यहां पे देखते हैं क्या आंसर होने वाला है अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर है Tentipids किस किसमें आते हैं अर्थवर्म्स किस पे आते हैं दोनों ही सेगमेंटेड बॉडी है कल हमने दो फाइलम्स पढ़ी थी एक में मेटामेरिकली सेगमेंटेशन था और उसी के तुरंत बाद एक फाइलम हमने पढ़ा जिसमें भी सेगमेंटेड बॉडी होती है सो नाउ हियर कम्स द डाउट विच आई क्लियर आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट अगर हम सेंटिपीट की बात करें ये एक आर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं ठीक है सो so, इनमें भी सेगमेंटेड बॉडी होती है और अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो इनमें तो क्लियर कट मेटामेरिकली सेगमेंटेशन पाई जाती है और अगर हम सेंटिपिट को अर्थरोपोर्ट में रखें और अर्थवर्म को एनिलिड में रखें तो हमारा ऑप्शन यहां पे हो जाता है ए बिल्कुल सही में अर्थवर्म्स नहीं आते वर्म्स जरूर आते हैं राउंड वर्म्स एस्केरिस हो गया फाइलेरियल वर्म हो गया पिन वर्म हो गया लेकिन अर्थवर्म लीच और नेरस, प्लीज ध्यान रखिए अर्थवर्म लीच और नरस आते हैं एनलीडा में ये सेंटिपीज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मिलिपिड हो गया सेंटिपिड हो गए ये सारे आ जाएंगे हमारे इसमें यहां पर आर्थ्रोपोडा में ठीक है सो आर्थ्रोपोडा तो ये किन अर्थवम को मत भूलिएगा अर्थवम से अगर आप पकड़ते तो यहां तुरंत पकड़ लेते एनिलिडा बाकी आपको सोचना ही नहीं पड़ता ठीक सो यहां ऑप्शन हमारा हो जाता है ए ठीक है सो ये थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये किसको सीक्वेंस याद है आप पता चलता है यहां पे किसको हमारे क्लासिफिकेशन के लेवल्स याद है टेक्सास याद है। यहां पे अब हम देखते हैं वो सेवन लाइनिंग जो है वो किसको याद है आपको शायद दिख रहा है पूरा क्लियर आप यहां पे क्लियरली देखिए और इसमें से आइडेंटिफाई करिए ठीक है मी सी वृतिका का ए आ चुका है राधिका का भी ए आ चुका है आदित्य का भी ए आ चुका है हार्दिक आप भी जवाब दे दीजिए यश ऋषि कीर्ति ओ हो कीर्ति का भी आंसर आ गया पर्व हार्दिक का भी आंसर आ गया सात, ओके सागर ने भी आंसर दे दिया वेरी गुड वेरी करेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किंगडम फाइलम या डिविजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज ये बिल्कुल हाँ कल हमने देखा था केपीसी ऑफ जीएस पीसीऑफ जी एस देखा था और बिल्कुल वही फिट हो रहा है यहां पर आंसर है ए ब्रिलियंटली डन ब्रिलियंटली डन दिशा या श्रीषि एवरी वन यू ऑल आर ब्रुलियंट ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यह भी थोड़ा सा ट्रिकी है मैच करिए ध्यान से देखिए यश yes, शिवानश मैंने आपका ए ऑप्शन देख लिया कल्लू कैन ऑर्डर फॉर गार्लिक की सब्जी ओ oh माय गॉड कीर्ति ये भी यूनिक सी मेथड ऑफ लर्निंग गुड ठीक है ओके मैंने पहले के तीन याद हैं बाकी का पता नहीं कोई बात नहीं यहां पे देख लेते हैं क्या आंसर आता है यहां पे सार्थक ने डी बोला है ठीक है वृतिका ने भी डी बोला है लेट्स सी व्हाट इज द व्यू ऑफ अदर स्टूडेंट्स मान्या का डी आ रहा है सबका डी आ रहा है आर यू हंड्रेड परसेंट श्योर हार्दिक का भी डी आ गया तो so, यानी फिर यहाँ पे यहां आंसर पे पे यह सही होना चाहिए तो लेट्स सी इज द आंसर करेक्ट आंसर इज डी बिल्कुल सही प्रोटिस्टा अमीबा अभी हमने देखा था प्रोटोजोन्स है स्लाइम मोल्ड है डायटम्स है डायनोफ्लैजुलेट्स है युगली पैरामिशन सा East की बात करें, फंगी का एग्जाम्पल है प्लांटी की बात करें तो पे जो है वो किस ग्रुप में आ रहे थे प्रोटिस्टा में यहां मोनिरा में ऑप्शन दे दिया यहां होना चाहिए था बैक्टीरिया इन्होंने प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल दे दिया सो ऑफकोर्स डी इज द रॉन्ग मैच हियर mismatch here even i am going for the okay sagar is going with the audience poll bilkul aap ja sakte hain audience poll ke sath lekin wo jo score hai wo aapko nahi milne wala no it's not buffering i think chal raha hai sahi chal raha i can see your chats theek hai ab yahan pe dekhte hain ye wala इसको देखिए फटाफट फड़ से ज्यादा टाइम नहीं बचा है एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं यहाँ पे इसको आंसर कर दीजिए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंथिस और बाकी सारे एग्जाम्पल है यहां पर राउंड सिर्फ ऐसा है जो प्लेटी हेलमेंथिस का आंसर फटाफट से आ गया कीर्ति ठीक है आंसर दे रही है कि बफरिंग हो रहा है कोमल कृष्णा नो कंफ्यूजन या प्लेनेरिया टेप वर्म ये हेपेटिका ये सारे हमारे एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेंथस में आते हैं एस्केरिस राउंड वर्म एलिफेंटियासिस जो फाइलेरियल वर्म वो है और ये भी आ, आई वर्म एक फाइलेरियल ग्रुप का ही है जो आइज के अंदर कंजेक्टिवा को इन्फेक्ट करते हैं सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी वेरी करेक्ट प्लेटेरिया इज द करेक्ट आंसर फ्लैट वर्म बाकी सब है राउंड वर्म ठीक है फोनो फ्रेंड्स अगर बहुत आराम से अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं सेंटेंसेस को हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे बिल्कुल आज के लास्ट क्वेश्चन पे सो वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन ठीक है सो so यहाँ पे हुक्स एंड सकर्स होंगे यहाँ पे अगर प्लानेरिया बिट फ्री लिविंग प्लानरिया में नहीं है बट अगर हम टेपम की बात करें या लिवर फ्लू की बात करें दे ऑल आर एंड पैरासाइट्स और उनमें हुक्स एंड सकर्स होते हैं ठीक है सो उनमें सकस होंगे क्योंकि उनको बॉडी के अंदर रहना है होल्ड ऑन करके रहना है डगेशिया इज फॉर प्लानेरिया, शिवांश करेक्ट अब इस पे आ जाइए यहां पे थ्री चैम्बर्ड हार्ट पूछा है सोच के आंसर दीजिए थ्री चैम्बर्ड यहां पे तीन चैम्बर है टाइगर और रैट मैमल्स में आ गए फोर अब कंफ्यूजन है यहां पे फ्रॉग और फिश में यहाँ आधे बच्चे बोल रहे हैं फिश आधे बच्चे बोल रहे हैं फ्रॉग यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही क्लास में दो चैम्बर पढ़ा था सिर्फ एक ही क्लास में हमने दो चैम्बर पढ़े थे दो क्लास से इनफैक्ट बोनी और कार्टिलेजिनस फिश जिसमें दो चैम्बर होते हैं सो so, यहाँ पे जो कंफ्यूज है फिश में फिश में सिर्फ दो चैम्बर होते हैं फ्रॉग्स की बात करें एम्फ्यूबियंस की तो तीन चैम्बर होते, so होते हैं और अगर थ्री एंड हाफ नहीं लिखा और थ्री लिखा है तो गो फॉर रेप्टाइल्स इवन क्रोकोडाइल है तो फोर एवस है तो फोर मैमल्स है तो फोर ठीक है सो so यहां पर फ्रॉग है प्लीज आप फिश और फ्रॉग एम्फ्यूबियंस स्पाइसेस हमेशा दो होंगे ठीक है पाइसेस में हमेशा सिर्फ दो होंगे एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल और फ्रॉग एम्फीबियंस में हो जाएंगे थ्री अगर आप यह कोर्स ऑफ एवोल्यूशन भी देखे तो वो भी हो रहा है ओके आई एम सॉरी अगर क्लियर नहीं दिख रहा था तो आई फाइ वॉज हाइडिंग इट इट्स ओके अब आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए बिल्कुल सही आंसर है सो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आर चैप्टर डाइवर्सिटी हमारी फुल्ली कंप्लीट हो गई है ठीक अब हुआ गलत अगे ये छोटी छोटी मैंने पहले ही कहा था चैंबर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो इनपे एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जांपल जरूर याद रखिएगा देवेश ने तो फ्रॉग बना भी दिया ठीक है सो डाइवर्सिटी हमारा कंप्लीट है होपफुली समझ में आया होगा इसके इलाबोरेटिव टॉपिक्स भी हैं यूट्यूब्स पे भी ई करियर पॉइंट चैनल पर भी उसको भी देख सकते हैं इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं सो so, प्लीज इसको टफ ना सोच के ना पढ़ें इसको जरूर पढ़ें बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली मैंने टू थाउजेंड नाइनटीन के क्वेश्चन देखे थे बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री टेक सम रेस्ट इन बिटवीन टेक सम ब्रेक सो आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट सेशन बाई द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड है नाइस डे So see you all, take care, bye bye for now.